Hello friends, today I am sharing the 5 activity for the advanced language development. Here I am helping you to how to develop a past tense to our children, how to develop the future tense for the children. I am using Brainy Bugs cards which are easily available on Amazon. I will share the links of the Amazon of the Brainy Bugs cards. So here is the video where I am teaching the advanced language by using the Brainy Bugs cards. Here first I am teaching him what happened past tenses. ये मैंने इसे पहले से कर रखा था तो इसको आता था. तो here I am first hiding the cards and tell and let him know कि तुम क्या expect कर रहे हो कि monkey क्या कर रहा है, monkey का को क्या sentence बनाओगे. तो he said the monkey is sleeping, then I show him the monkey slept in the car class. तो इस तरह से जब बच्चा अपने मन से बोले उसके बाद उसको real वो कार्ड की डिटेल्स भी दिखा दो कि कार्ड में क्या एक्सपेक्टेड थे. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने देखा है कि द चिल्ड्रन स्टार्टेड करेक्टिंग देयर सिंटैक्स एंड सेमांटिक मिस्टेक्स एंड दो दे नो कि हमने क्या गलत बोला था और कैसे बोलना है. तो दिस इज अ व्हाट हैपेंड कार्ड्स. नेक्स्ट आई एम डूइंग अ व्हाट नेक्स्ट फ्यूचर टेंसेस. ये हम पहली बार करवा रहे थे तो यहाँ पे मैंने इसे हाइड नहीं किया. फर्स्ट टाइम में जब भी मैं करवाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को तो मैं उनको पूरा शो कर देती हूँ कि कार्ड में क्या है, क्योंकि यहाँ पे उनको नहीं पता कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उनको क्या बोलना है और क्या सेंटेंसेस एक्चुअल में बिल्ड करने हैं. तो शुरुआत में जब भी आप कुछ करवाओगे तो आप पूरा दिखा देना. नेक्स्ट हम मैं करवा रही हूँ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के कार्ड्स में मैंने क्या क्या पार्ट अपने एडजेक्टिव का आधे इसको दे दिए, आधे मैंने अपने पास रख लिए और मेरे को हर पिक्चर पे हर जो भी मेरे पास कार्ड आ रहा उसके ऊपर पूरी एक लाइन बोलनी है. लाइक गर्ल्स आर इन अ शैलो वाटर, बॉय इन अ ब्राइट सन. सिमिलरली इसको भी अपने बोलना है. यहाँ पर भी मैंने टोकन बोर्ड लिया है कि हर काम के बाद एक टोकन लगाना है. द फ्लावर इज अ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स लाइक दिस, द जर्नी इज अ डेंजरस जर्नी. एंड अब मैंने जब काफ़ी बच्चे को उसके बारे में बता दिया एडजेक्टिव्स के बारे में, अब मैं उसको हाइड कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ हाइड करके मैं उसे पूछ रही हूँ कि व्हाट द सेंटेंस यू कैन मेक ऑन दिस. लाइक द मैन इज ड्राइविंग अ स्लो साइकिल, द वुमेन इज वेयरिंग अ ब्राइट ज्वेल्स, द दिस इज अ ओल्ड लेडी, द रैबिट इज ऑफ दिस. नाउ लास्ट में मैं इसको करवा रही हूँ टेल स्टोरीज. इसमें मैं तीन कार्ड की स्टोरीज है तो फर्स्ट इसको सीक्वेंस में वो तीनों स्टोरीज को अरेंज करना है एंड देन नरेशन देनी है. अगर बच्चा रॉन्ग सीक्वेंस लगाता है तो राइट सीक्वेंस लगाओ, नरेशन गलत बताता है तो उसकी हेल्प कर दो. ग्रेजुअली धीरे धीरे आप अगर डेली प्रैक्टिस कराओगे तो बिल्ड हो जाएगी. तो होप इट हेल्प यू टू टीच द चाइल्ड इन एडवांस लैंग्वेज एंड यू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल शेयर मोर वे to work with our children and easy way to work with our children so that each mom will be empower herself and able to teach their child and able to make the child in more advanced language. क्योंकि लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है जो हमें अपने बच्चे को सिखानी है. तो शेयर एंड सब्सक्राइब ऑटिज्म सपोर्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.